This conference will now be recorded. चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे मैंने लास्ट टाइम ब्रेक दिया था आपको। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपने ये सीखा कि कैसे आपको इसमें प्लेट लगानी है, कॉलम पे प्रॉपर्टी लगाना, प्लेट पे प्रॉपर्टी लगाना, लोड लगाना, आप ऑलरेडी जान चुके हैं। यू ऑल आर अवेयर विद दैट। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊं कि इसमें हो क्या क्या रहा है। खाली हमने इसको हिलाते हुए या नचाते हुए नहीं देखना है, हमें समझना है कि इसके अंदर चल क्या रहा है प्रोसेस। तो अभी आपको इतना पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका हिल रहा है, अभी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत सी बातें हैं इसमें, इसको समझने के लिए ध्यान से समझते हैं वन बाय वन। पहली बात तो यहाँ पे आपके पोस्ट प्रोसेसिंग में आते ही लिखा होता है बीम्स। आपने बीम पे क्लिक किया, तो बीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो बीम के अंदर जितना भी आपका बेंडिंग हो रही है ये सब आपको यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है, आई मीन की पूरी समरी है आपकी कि क्या क्या हो रहा है आपका। आप देख सकते हैं नोड 1, नोड 6, नोड 3, नोड 1, नोड 5। यहाँ पे आपका एल एल वन कहाँ लगा हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि एल एल वन क्या है। एल एल वन आपका लोड है जो हमने लगाया था बीम्स और कॉलम पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर पे। एल एल टू क्या है, ये हमारा प्लेट का लोड है। सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है इजिली, इसको हम बाद में जानेंगे। तो दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक चीज और होती है, मैं इसको जूम कर लूँ। यहाँ पे एक चीज है आपकी एनिमेशन, समझ गए हैं आप। अब यहाँ पे एक चीज है आपकी प्लेट, प्लेट वाला ऑप्शन भी आएगा जब आपने प्लेट लगाई होगी। तो प्लेट पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए, प्लेट पर क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे आपको मल्टीपल दिखाएगा चीजें। ये है लोड केस टू, यहाँ पे वो सभी लोड होंगे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वो सभी लोड होंगे जो आपने लगाए होंगे। डीएल लगाया है, एल एल वन लगाया है, हम जानते हैं एल एल टू। ओके, अब यह है स्ट्रेस टाइप। स्ट्रेस टाइप क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है आप डिफाइन कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, स्ट्रेस क्या होता है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को क्या आता है, लेकिन मेरी डेफिनेशन सुनने के बाद मत डिफाइन कीजिएगा। आप वही डिफाइन कीजिएगा जो आपको पता थी अभी तक, ताकि मैं आपको आगे और अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है, तो आप किसी भी चीज में कोई भी फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिसको आप बोलते हो एक्सटर्नल फोर्स, या फिर बोलते हो आप डिफॉर्मिंग फोर्स, जो किसी भी चीज को आपकी डिफॉर्म करती है, उसके शेप को खराब करती है। तो जब भी आपने किसी भी चीज में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो क्या होता है कि वो चीज जो है उसके अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है डेवलप, जो कि उस एक्सटर्नल फोर्स को, उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रोकती है कि मेरे को डिफॉर्म मत करो। तो वो रेजिस्टिंग फोर्स जो एक्ट करती है अगेंस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो यहां पे अगर आपको स्ट्रेस जानना है, प्लेट में क्लिक कर लो, कितने तरीके के स्ट्रेस आप देख सकते हो, इतने सारे स्ट्रेस होते हैं आपके। मैं एक दिखाऊंगा आपको, बाकी आप देखते रहिएगा। आपने बोला प्रिंसिपल मेजर स्ट्रेस, क्लिक किया आपने, ये देखिए ये अलग अलग तरह का कलर बैंड आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस केस में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है 1864 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 4541। आप इसको अप्लाई और ओके कर दीजिए। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को आप घुमा के देखेंगे जब, तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसको इजिली। ये देखिए, यानी कि स्ट्रक्चर में इस पॉइंट पे, यहां पे आपकी स्ट्रेस आ रही है मैक्सिमम। आपसे को पूछता है, कोई भी आपने बनाया स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद वो कहता है कि ये बताओ कि इसमें प्लेट में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना कलर बैंड, इन कलर बैंड का मतलब क्या है, ये वैल्यूज है पीएसआई में, वैल्यू है पीएसआई में। ये देखिए रेड वाला यहाँ पे है, यानी मैक्सिमम होगा आपका ये, और जो वॉलेट कलर आ रहा है इस तरफ पे आ रहा है कहीं पे, यानी यहाँ पे आपकी स्ट्रेस मिनिमम होगी। तो दैट्स कॉल्ड दी हाउ टू रीड स्ट्रेस, कैसे आपको पढ़नी है चीजें। ओके, एक बार आते हैं हम रिपोर्ट पे, सॉरी एक बार हम आते हैं आपके एनालिसिस पे, मॉडलिंग पे आने के बाद एनालाइज, और हम बोलते हैं रन एनालिसिस। ओके, दोबारा कर रहा हूं, वैसे नीड नहीं है। मैं बोलता हूँ व्यू आउटपुट फाइल, आउटपुट फाइल पर क्लिक करके मैंने बोला डन। डन करके आप देखेंगे आपके सामने एक बहुत बड़ा पेज खुल जाएगा। यही पूरी कहानी है आपके स्टैट की, सब कुछ है इसमें आपका, सब कुछ। एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, कितना वेट है आपके स्ट्रक्चर का आप देख सकते हैं, 70.459, यानी कि आपका यहाँ पे मटेरियल टेक ऑफ भी आपको शो करता है। यहाँ पे कितना आपका मटेरियल आपको लगाना है, कितना लगा है आपका, लोड टाइप देखिए, आप जानेंगे इसके बारे में हम। बट उसके लिए रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिविल सर्कल के दोस्तों को बताइए कि एक नया चैनल खुला है जिसमें हम लोग
इतनी चीजें कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, इफ यू आर फीलिंग बोर देन प्लीज डिसलाइक एंड अनसब्सक्राइब। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में आगे और बताऊंगा, मल्टीपल चीजें हैं इसमें आपकी, जानेंगे इसको लेटर ऑन। ठीक है, तो ये था आपका किस तरीके से आपको प्लेट पे लोड देखना है। लोड मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा, प्रोसेसिंग पे आ जाते हैं। प्लेट मैंने कहा अब डेड लोड की वजह से कहां पे आ रहा है मेरा लोड केस, है ना, आप चूज कर सकते हो कौन सा देखना है आपको। मैं बोलता हूँ डीएल की वजह से मेरा ये कहां पे आ रहा है, देखिए हाँ वहीं पर आया है, लेकिन वैल्यू आपकी कम है, देख रहे हो आप, वहां पे 4000 वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू कम है, क्योंकि डेड लोड की वजह से कुछ ना कुछ तो आपका स्ट्रेस डेवलप होगा ही ना, वो यहां से होता है। ठीक है, प्लेट पे आके मैं कहता हूं कि जो मेरे बीम्स कॉलम में जो मैंने मेंबर पे लोड लगाया तो उनकी वजह से मेरा मेजर स्ट्रेस कितना आ रहा है प्लेट पे चेक करना है मुझे अगर, तो अप्लाई। ओके ये देखिए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, मुझे कमेंट में चाहिए इसका आंसर कि इस बार ऐसा क्यों हुआ, नीचे भी आया ऊपर भी आया, ये आंसर मुझे आपको देना है, आप देंगे इसमें प्लीज। ओके देन रिपोर्ट बता चुका हूं मैं आपको, ये रहा बीम्स के बारे में, प्लेट के बारे में, ओके कर दीजिए सब कुछ आ जाएगा आपका, ये रहा। ठीक है ये देखिए ये सब चीजें आपको लिखनी होती है इंजीनियर के द्वारा, किसने बनाया क्या बनाया चेक किया अप्रूव किया, फिर आपको आगे भेजना होता है सब, ये एडवांस चीजें सेकेंडरी चीजें बाद में जानेंगे। ठीक है चलिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको सिंपल एक बीम पे एसएफडी बीएमडी पढ़ना, किस तरह हमें एसएफडी बीएमडी करनी है सिंपल सी बीम पे, और फिर हम उसके अगले लेक्चर में करेंगे एक, बनाएंगे हम छोटा सा ब्रिज, और ब्रिज पे हम प्लेट लगा के उसके करेंगे एनालिसिस और उसको गिरने से बचाएंगे, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा आपको मैं। ठीक है आगे आने वाले दो लेक्चर जरूर देखिएगा, दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।